हेलो दोस्तों, मैं देवंजन और आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल द प्रीमियम एमएमएस पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ चैलेंज कॉर्नर का शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, चैलेंज कॉर्नर का भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए चैलेंज कॉर्नर कैसे शॉर्ट ट्रिक में करा जा सकता है। असलियत में मैं ये ट्रिक लाऊंगा मैं खुद भी नहीं सोचा था, पर मेरे भाई रजित त्रिपाठी नाम का वो मुझे रिक्वेस्ट किए कि चैलेंज कॉर्नर का भी कोई शॉर्ट ट्रिक होता है तो प्लीज़ बताइए। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा, सोचने के बाद आखिरकार एक ट्रिक आई गई हाथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर घुस जाते हैं। आपको ये ट्रिक करने के लिए क्या करना होगा, देखिए कि पहले तो ले लेना है 1000, ठीक है ना। 1000 से पहले 69 लेस करना है, 69 लेस कर लिए, ठीक है ना। 69 लेस करने से कितना आएगा, 931। बस इसको, सॉरी एक मिनट, को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगे तो 931 से ले 69 करना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर 862 आ जाएगा। अब आप एक बात गौर करिए कि इससे एक नंबर ये वाला बढ़ गया है एंड इससे ये वाला प्लस 3 हो गया है, ठीक है ना। इसके प्लस 3 से ये आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, जैसे 862 आ रहा है तो 862 माइनस 69, ठीक है ना। तो 69 यहाँ पे 3 बढ़ाना है तो 893, ठीक है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, ठीक है ना। 893 और आगे से 1 लेस होता जाएगा, यहाँ से 1 लेस होता जाएगा, आगे से 1 लेस होते जाएगा। जैसे यहाँ से 1 लेस होता तो 8 हुआ, तो यहाँ से 793 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर करते हैं 793 लेस 69। बस इसको आपको सिंपली लेस करना है, और आपको सिंपली यहाँ पर लेस करना है। जैसे आपको 793 से 69 लेस करेंगे तो 74 आएगा, तो इसको सिंपली लेस करना है। इसको और ट्रिक में नहीं करना, मतलब रखना है, ठीक है ना। अब इसको फिर से ट्रिक में 69 तो 7, यहाँ पे 2 प्लस 3 और यहाँ 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 5, यहाँ से लेस 1 यहाँ पे ही कर देता हूँ, तो 6, 5, 5 आंसर आ गया है। और यहाँ से 69, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए तो लास्ट में आपको आएगा, मैं यहाँ तक कर देता हूँ 586, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको आएगा लास्ट के एक नंबर आगे से मैं कर रहा हूँ। लास्ट में ऐसे ऐसे आप सही से ट्रिक फॉलो करोगे तो 172 तक आएगा, यहाँ से फिर 69, तो यहाँ से सिंपली 69 एनलिस करना है तो 103, ये तो आपको पता ही है। एंड फिर यहाँ से 69, यहाँ पे माइनस 1 हो जाता है, 1 से माइनस 1 मतलब कट जाता है। फिर यहाँ पे प्लस 3 एंड यहाँ पे प्लस 1, तो आ गया है 34। तो 34 इसका रिमाइंडर रहेगा, तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसे ऐसे करेंगे तो सिंपली उत्तर मतलब आंसर आ जाएगा, 34 आएगा, लास्ट में 34 आएगा। तो जैसे जैसे मैंने किए ये फॉलो करिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ ये ट्रिक आपको 100% अप्लाई होगी। एंड ये चैलेंज कॉर्नर बोलते हैं हम इसको, तो ये आप सिंपली करेंगे। मैं बोलता हूँ 90% बच्चों या बच्ची का गलत होगा, लास्ट में जो आंसर आएगा हर बार अलग अलग आएगा, ये पूरा पक्का बात है। तो आप ये करिए एंड ये ट्रिक से 34 पूरा एप्रोप्रिएट आंसर आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, एंड अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए, एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, अपने भाई का चैनल है।
सपोर्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।